हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, हमारे पास क्लास फोर का ये साइंस का ये बुक है, चैप्टर 3.1, यूनिट 3 है। शेल्टर्स मतलब होता है आश्रय, आश्रय के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। चैप्टर 3.1 हाउसेज देन एंड नाउ। हाउसेज मतलब हो गया घर जो है, मकान, पहले के मकान और अब के मकान कैसे होते थे या हैं, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, व्हाट्स इन चैप्टर फॉर यू, आपके लिए इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें इस बॉक्स में दिया हुआ रहता है। हाउसेज देन एंड नाउ, घर पहले का और अब का किस तरह के हैं। व्हाट डू वी नो अबाउट हाउसेज इन द पास्ट, पुराने ज़माने के घरों के बारे में हम क्या जानते हैं। व्हाट टाइप ऑफ हाउसेज डू वी हैव टूडे, और आज के समय में हमारे पास जो घर है वो किस तरह के घर हैं, इसी से संबंधित इस चैप्टर में दिया हुआ है। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आप लोग आसानी से इसको पढ़ लेंगे। देखिए, यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स और ऑन द ट्रीज, पुराने ज़माने के जो लोग होते थे, आदि मानव जो लोग होते थे, वे केव्स में रहते थे, गुफा में रहते थे, क्योंकि उन्हें घर बनाना तो आता नहीं था, या फिर पेड़ों के नीचे रहते थे या पेड़ों पर चढ़ के रहते थे। ग्रेजुअली दे लर्न टू मेक कच्चा हाउसेज एंड लेटर पक्का हाउसेज, और धीरे धीरे वे घर बनाने के लिए सीखने लगे, क्योंकि उन्हें आवश्यकता पड़ा और आवश्यकता के अनुसार ही आविष्कार होता है। तो उन्हें आवश्यकता पड़ा और वे घर बनाने लगे, तो सबसे पहले वे कच्चा हाउस बनाए, मिट्टी से बनाते थे, मिट्टी और लकड़ियों से कच्चा हाउस बनाते थे। एंड लेटर मतलब बाद में जो है वो पक्का हाउस भी बनाने लगे। दिस डेज वी हैव पक्का हाउसेस लाइक बंगलो, फ्लैट्स, अपार्टमेंट्स इटीसी, और आज के समय में हमारे पास पक्का हाउस होता है, उसमें से जैसे कि बंगला हो गया, बड़ा घर होता है बंगला, उसके बाद फ्लैट हो गया, फ्लैट बिल्डिंग जो होता है उसमें कई फ्लैट होते हैं, अपार्टमेंट हो गया, और इस तरह का शहर में जो घर होता है, गाँव में भी आजकल इस तरह के घर होने लगे हैं, और इस तरह के कई प्रकार के घर होते हैं। द टाइप ऑफ हाउस डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेट, तो घर किस तरह से कहाँ पे बनते हैं ये डिपेंड करता है वहाँ का जलवायु पे, जिस तरह का वहाँ जलवायु होता है। बर्फ बारिश होने वाले जगहों पे घर जो होता है उसका छत जो होता है वो स्लाइंट होता है। आवर नीड्स एंड ऑन बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबल लोकेलिटी, और अपने हमें क्या आवश्यकता है वो डिपेंड करता है कि घर कैसा होगा, और वहाँ जो चीज़ें मौजूद होता है, मटेरियल्स जो पदार्थ मौजूद होता है, उस अनुसार से ही वहाँ पे घर निर्माण होता है। व्हाट डू वी नो अबाउट हाउसेस इन द पास्ट, पुराने समय में किस प्रकार के घर थे उसके बारे में हम क्या जानते हैं। अर्लियर पीपल बिल्ट सिंपल हाउसेज विथ लॉट्स ऑफ ओपन स्पेस इन एंड अराउंड देम, प्राचीन काल में लोग साधारण घर बनाया करते थे, उनके पास साधारण घर हुआ करता था और उसमें ओपन स्पेस काफ़ी रहता था, ओपन स्पेस आंगन जो होता था वो काफ़ी हुआ करता था, उनके चारों ओर खुला जगह हुआ करता था, ओपन स्पेस खुला जगह। ब्रिक्स मड एंड वुड वेयर द कॉमन बिल्डिंग मटेरियल्स एंड द रूफ्स ऑफ द हाउसेज वेयर हाई विच कैप्ट देम कूल, और घर बनाने के वे लोग ईंट का उपयोग करते थे, ईंट हो गया, मिट्टी, मड, कीचड़ जो होता है, एंड वुड और लकड़ियों का उपयोग करते थे। उस समय जनसंख्या कम हुआ करता था, इसलिए लकड़ियाँ काफ़ी मिलती थी, और जंगलों से काट के वो लकड़ियाँ ले आते थे, तो उन्हें कोई किस तरह का कोई रोकने वाला नहीं होता था। ये सारी चीज़ें कॉमन चीज़ें थी घर बनाने के लिए, और छत जो हुआ करता था काफ़ी ऊंचा बनाया करते थे, जिससे कि वे गर्मियों के समय में उन्हें ज़्यादा गर्म महसूस नहीं होता था। इच हाउस हैड इट्स ओवन वेल, ये घर जो है अपने आप में अच्छे घर हुआ करते थे। एवरी हाउस हैड ए कॉमन बाथरूम विच वॉज शेयर्ड बाय ऑल द फैमिली मेम्बर्स, सभी घरों में एक बाथरूम हुआ करता था और उस फैमिली के, उस परिवार के सभी लोग उसका उपयोग करते थे। इन दोज डेज देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, उन दिनों बिजली नहीं हुआ करती थी। लेंटर्न्स और अर्थन लैम्प्स वर यूज्ड
फॉर लाइटिंग एट नाइट। और लालटेन का उपयोग करते थे, या अर्थन लैम्प्स मतलब हो गया दीपक जो है, दिया जिसको बोलते हैं, दिया का यूज करते थे रात में रोशनी करने के लिए। कुकिंग वाज डन ऑन मड स्टोव जिसको चूल्हा बोलते हैं, यूजिंग काउडंग कैक एंड फायरवुड, खाना बनाने के लिए वे लोग मिट्टी का चूल्हा उपयोग करते थे, या तो उसमें गाय के गोबर से जो गोइठा बनता है उसका उपयोग करते थे, या फिर लकड़ियों का उपयोग करते थे, उसी से भोजन बनाया करते थे। व्हाट टाइप ऑफ हाउसेज वी डू वी हैव टुडे, अब हमारे पास आज के समय में किस प्रकार के घर हैं। देयर हैज बीन ए कंटिन्यूअस चेंज इन द हाउसेज मेड इन द पास्ट एंड नाउ, उस समय पुराने समय से अब तक जो है काफ़ी सारे बदलाव लगातार आते गए हैं हमारे घर बनाने की प्रक्रिया में। टुडे हाउसेज आर बिल्ट ऑफ ब्रिक्स, आज के समय में घर जो बनाए जाते हैं ब्रिक्स होते हैं, उसमें ईंट तो होता ही है, सीमेंट, आयरन रड, कंक्रीट एंड अदर मटेरियल्स, जिसमें ईंट होता है, सीमेंट होता है, आयरन छड़ होता है, रॉड्स जिसको बोलते हैं, कंक्रीट एंड अदर मटेरियल्स, उसमें कुछ कंक्रीट मतलब ये हो गया गिट्टी होता है, और कई सारे और भी मटेरियल यूज किया जाता है घर को मजबूत बनाने के लिए। मॉडर्न हाउसेज आर बिल्ट नॉट ओनली इन टाउन्स एंड सिटीज बट इन विलेज ऑल्सो, आधुनिक घर जो है वो सिर्फ शहरों में या नगरों में ही नहीं बन रहा है, बल्कि गाँवों में भी अब उसी तरह के घर बनाए जा रहे हैं। देर आर कॉमन पार्क्स इन लोकेलिटी शेयर्ड बाय द पीपल ऑफ द कॉलोनी, और जो अपार्टमेंट होता है फ्लैट्स में, कई बिल्डिंग में कई फ्लैट्स होते हैं, और वहाँ पे एक पार्क होता है जो कि उस सोसाइटी के लोग उपयोग करते हैं, उसका कॉलोनी के लोग। सिटीज हैव ऑल्सो हाउसेज कॉल्ड बंगलो, सिटीज़ में जो घर होता है नगरों में, बड़े बड़े नगरों में जो घर होता है उसको बंगला बोलते हैं। बंगलोज आर बिग हाउसेस विथ लॉन्स एंड पार्किंग स्पेस, और ये घर जो होता है, बंगला जो होता है, वो काफ़ी बड़ा घर होता है और उसमें खुला स्पेस भी काफ़ी होता है, लॉन जिसको बोलते हैं, और पार्किंग स्पेस गाड़ी खड़ा करने के लिए उसमें जगह रहता है। बिसाइड्स दिस देर आर सम अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन सिटीज, इसके अलावा जो है अनऑथराइज्ड मतलब है कि वो ऑथराइज नहीं रहता है, वो लीगल नहीं रहता है। ये इस तरह के कॉलोनी होते हैं जिसको ज़रूरत पड़ने पर सरकार कभी भी हटा सकती है, अनऑथराइज्ड लीगल नहीं होता है। दिस कॉलोनीज कॉल्ड स्लम विच आर ए क्लस्टर ऑफ वेरी स्मॉल कच्चा हाउसेस, ये कॉलोनी जो होता है स्लम, स्लम मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी जो होता है, इस तरह के बस्ती कहलाता है, झुग्गी झोपड़ी वाला बस्ती। क्लस्टर मतलब बहुत सारा अनेक जो है लाइन बाय लाइन लगा हुआ होता है, तो छोटे छोटे घर होते हैं, कच्चा हाउस होते हैं, इस तरह का काफ़ी संख्या होता है उसका, एक बस्ती होता है। पीपल ऑफ स्लम लिव इन वेरी अनहाइजीनिक कंडीशन, और ये लोग गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, इन लोगों के पास आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती है, जिसके वजह से हाइजीनिक ये मैले कुचेले अवस्था में रहते हैं, क्योंकि उसकी कंडीशन जो है वो उतनी अच्छी नहीं रहती है। देर इज़ नो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम एंड हिप्स ऑफ गार्बेज कैन बी सीन लाइंग हियर एंड देयर, तो वहाँ पे प्रॉपर मतलब कोई उचित व्यवस्था नहीं होता है ड्रेनेज का, नाली वगैरह जो होता है वो सही से नहीं रहता है, रास्ते पे इधर उधर पानी बहता रहता है, और कूड़ा करकट रखने का जो जगह होता है जहाँ पे जमा किया जाता है कूड़ा करकट को, उस तरह की भी व्यवस्था नहीं रहता है, और जहाँ तहाँ कूड़ा करकट आपको फेंका हुआ मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह का झुग्गी झोपड़ी वाला बस्ती जो होता है ऐसा ही होता है। गवर्नमेंट इज़ वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ स्लम डवेलर्स, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है, उस पर काम कर रही है कि उन लोगों की जीवन स्तर को सुधारा जाए और ऊंचा किया जाए। नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पे कई घरों के पिक्चर दिया हुआ है जिसमें मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग मतलब एक घर के ऊपर घर फिर घर, उसको मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग कहा जाता है, उसमें कई बिल्डिंग मतलब है कि काफ़ी ऊँचा होना, कई तल्ला होना जिसको कहा जाता है, और
हाउसेस ऑफ स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ियों वाला बस्ती जो होता है इस तरह का होता है। कई सारे घर यहाँ पे हैं लेकिन कोई भी व्यवस्थित नहीं रहता है, किधर नाली निकलेगा या किधर कूड़ा कचरा फेंका जाएगा इसका कोई व्यवस्था नहीं रहता है। कच्चा हाउस, गाँवों में जो घर होता है इस तरह का कच्चा हाउस पहले बनाया जाता था, तो ये घर जिस तरह से भी होता है लेकिन ये साफ़ सुथरा होता है, बिल्कुल अच्छा होता है। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको रहने में कोई परेशानी नहीं आएगा। और यहाँ पे आगे दिया हुआ है, ए लार्ज मेजोरिटी ऑफ इंडियंस लिव इन विलेज, भारत के अधिकतर लोग जो है वो गाँव में रहते हैं, गाँव में बसते हैं। अर्लियर ओनली कच्चा हाउसेज वेयर फाउंड इन विलेजेस, तो पहले जो है पुराने समय में कच्चा हाउसेज, कच्चा घर जो होता था वो सिर्फ गाँव में ही पाया जाता था, सिर्फ गाँव में ही कच्चा हाउसेस बनाया जाता था। लेकिन अब वो समय नहीं है कि गाँव में भी कच्चा हाउस आपको नहीं मिलेगा। हवेलीज वेयर बिग हाउसेज इन विलेज ओन बाय द रिच, लेकिन गाँव में हवेली होता था जो बहुत बड़ा घर हुआ करता है, और इसमें गाँव के जो जमींदार लोग होते थे, ज़्यादा अमीर लोग जो होते थे, उनके घर हवेली के रूप में हुआ करता था। लाइफ इन द विलेज इज चेंजिंग वेरी फास्ट, गाँव के जीवन में बहुत तेजी से बदलाव आया। नाउडेज कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज इन विलेज इज क्वाइट सिमिलर टू द सिटीज, आज के समय में आजकल जो है गाँव में भी घर इस तरह से बन रहे हैं जैसे कि बिल्कुल शहरों में, नगरों में घर बने हुए हैं उसी तरह से गाँव में भी बन रहा है। पीपल हैव नाउ स्टार्टेड मेकिंग वन और टू स्टोर बिल्डिंग, गाँव के लोग जो है अब एक तल्ला या दो तल्ला घर बना रहे हैं, मतलब है कि वहाँ पे पक्का हाउस बन रहा है। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन हैव चेंज्ड द लाइफ ऑफ विलेजर्स, आधुनिक ट्रांसपोर्टेशन मतलब आवागमन के जो साधन हैं वो, और कम्युनिकेशन संचार के जो साधन हैं, इनके द्वारा गांव वालों की ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया है। दे हैव बिगन टू यूज़ मॉडर्न फैसिलिटी टुडे, आज आप देख सकते हैं गांव के लोग जैसे नगरों में फैसिलिटी होती, सुविधा होती है, उसी तरह का सुविधा गाँव में भी लोग उसका आनंद ले रहे हैं या फैसिलिटी का उपयोग कर रहे हैं, आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे चैप्टर समाप्त हो गया है, चैप्टर छोटा था, एक्सरसाइज यहाँ शुरू हो रहा है। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पे क्या भरा हुआ है, इन ओल्डन डेज फूड वाज कुक्ड ऑन मड स्टोव, जिसको चूल्हा कहा जाता है, तो मड स्टोव ये सही है। उसके बाद यहाँ पे बंगलोज आर वेरी बिग हाउसेज फाउंड इन सिटीज, शहरों में बहुत बड़ा घर जो मिलता है उसको बंगला कहते हैं। पीपल इन स्लम लिव इन अनहाइजीनिक कंडीशन, स्लम झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले पीपल जो होते हैं वो मैले कुचेले रहते हैं। हैवलिव आर बिग हवेलीज है, ठीक है, हवेलीज आर बिग हाउसेज इन विलेज ऑन्ड बाय द रिच, अमीरों के घर जो होते हैं गाँव में वो हवेली होते हैं। कच्चा हाउसेज आर कॉमनली सीन इन विलेज, सामान्य रूप से आप गाँव में ही कच्चे घर को देख सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू जहाँ पे ट्रू फॉल्स भरने के लिए कहा गया है, क्या है, हवेलीज वेयर मेड इन टाउन ओनली, तो ये फॉल्स है, गाँव में मिलता है हवेली। स्लम ड्वेलर्स लिव इन फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला फ्लैट में या अपार्टमेंट में रहते हैं तो ये सही नहीं है, ये भी फॉल्स होगा। उसके बाद इन सिटीज पीपल लिव इन फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, ये ट्रू हो जाएगा, दो ऊपर फॉल्स हो गया, ये ट्रू हो गया। उसके बाद बंगलोज आर ओन्ड बाय द रिच, मतलब अमीर लोगों का होता है, ये भी ट्रू हो जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एक्सपेंसिव हाउसेस टू स्लम ड्वेलर्स, ऐसा नहीं है, उसे एक्सपेंसिव घर देने से कोई फ़ायदा नहीं, उन्हें रोज़गार देना होगा, उन्हें शिक्षा देना होगा, तो ये फॉल्स हो गया, मतलब है कि सी और डी ट्रू है, बाकी सभी फॉल्स है। और आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट एनी टू फीचर्स ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे शेल्टर्स इन ओल्डन डेज, मतलब पुराने समय का जो घर होता था, आश्रय होता था, वो किस प्रकार का होता था। यहाँ पे लिखा हुआ है शेल्टर्स वेयर वेरी बिग इन ओल्डन डेज,
ड्यू टू दैट द शेल्टर्स हैड मच ओपन स्पेस, काफ़ी खुला जगह हुआ करता था. दे आर वेल वेंटिलेटेड, दे रिमेन कूल इन हॉट वेदर, गर्मियों के दिनों में भी वे ठंड रहा करते थे. देखिए ये आंसर जो है स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया है, सूटेबल आंसर आप, ये गलत नहीं है, लेकिन फिर जो है आप इसका अगर कोई और इससे सूटेबल आंसर होता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे. प्रेजेंट डे शेल्टर्स आर वेरी स्मॉल इन साइज लाइक एन अपार्टमेंट, आधुनिक समय का जो घर होता है वो छोटा बतला रहा है, ये छोटा होता है. बिकॉज ऑफ दैट इट कॉस्टलेस, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, कॉस्टलेस होगा, इट कॉस्टलेस इन मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस में कोई खर्च नहीं आता. स्मॉल इसलिए बतला रहा है क्योंकि इसमें ओपन जगह नहीं होता, आंगन वगैरह नहीं होता, इसलिए स्मॉल बतला रहा. क्लीनिंग दिस टाइप ऑफ हाउसेज इज वेरी इजी, सिमिलर टू बिग ओल्ड हाउसेज. और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मेन क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट टाइप्स ऑफ हाउसेज वेयर बेड इन विलेज इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में गांव में किस प्रकार के घर हुआ करते थे. व्हाट आर स्लम्स, झुग्गी झोपड़ियाँ क्या होती हैं. व्हाट टाइप्स ऑफ हाउसेज डू वी हैव टूडे, अब के समय में हमारे पास किस प्रकार के घर हैं. व्हाट टाइप्स ऑफ हाउसेज वेयर मेड इन द पास्ट, प्राचीन काल में किस प्रकार के घर बना करते थे. व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ हाउसेज वी मेक, जो घर अभी हम बनाते हैं उसमें किस तरह के फैक्टर्स, मतलब किस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए. इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा. तो यहां पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है. अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे.